सब एक फाइव के सेमेस्टर वन और टू को पार करके अब एस वाई सेमेस्टर थ्री में आ गए, यानी कि एस वाई बी ए में आ गए। अपना एक पड़ाव पार कर लिया है आपने, अब सब आप सेमेस्टर थ्री में आ गए हैं। आप सभी को अभिवादन अभिनंदन करती हूँ मैं आप सभी का, क्योंकि आप सब पास होकर एस वाई में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे एस वाई का सिलेबस लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप अभी नए हैं। आप सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा कितने पेपर आते हैं हमारे, और एस वाई बी ए में हमारा कौन कौन सा सिलेबस होता है। सभी सब्जेक्ट्स से, यानी कि हिंदी, गुजराती और संस्कृत और इतिहास, सभी को जो वही प्रश्न होगा आप सभी को कि कौन कौन सा पेपर आता है हमें, कौन कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है। तो आज मैं आपको हिंदी के बारे में बताने वाली हूँ कि हिंदी का सिलेबस क्या है, यानी कि एस वाई बी ए के सेमेस्टर थ्री में आपका जो हिंदी आता है, हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं, यह बात सभी को लागू होगी, यानी कि आप गुजराती मेन सब्जेक्ट वाले यहाँ पे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ, मेन हिंदी वाले हैं उनको भी कहना चाहती हूँ, और मेन संस्कृत वाले हैं उनको भी कहना चाहती हूँ। तीनों स्टूडेंट्स यानी कि इतिहास वाले भी उनको भी लागू होगा, क्योंकि यह जो पहला पेपर आएगा वो उनको भी आता है। पहले आप बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की, तो पहले जो आपका हिंदी का सिलेबस आएगा उसमें आपका पहला पेपर होगा अनिवार्य हिंदी का। अनिवार्य हिंदी है वो आपके सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू दोनों में आपने पढ़ा है, यानी कि सेमेस्टर वन में भी आता था और सेमेस्टर टू में भी आता था। अब जब आप सेमेस्टर थ्री में आ गए भी आपको हिंदी आएगा, यानी कि टीवाई कंप्लीट करेंगे आप तब तक आपको सेमेस्टर जो आगे आगे सेमेस्टर बढ़ता जाएगा उसी तरह से अनिवार्य हिंदी आपको आएगा। अब अनिवार्य हिंदी है जो आपका वह मेन गुजराती, मेन संस्कृत, मेन हिंदी और मेन इतिहास, चारों जो है हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उन चारों को ये पेपर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य हिंदी वालों के लिए है, यानी कि मेन जो सब्जेक्ट है हिंदी का उनको पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में बात करूँगी। पर पहले अनिवार्य हिंदी का नाम हम जान लेते हैं, तो उसका क्या नाम है, सप्त एकांकी एवं व्याकरण। सप्त एकांकी एवं व्याकरण यह आपका टाइटल है, यानी कि अनिवार्य हिंदी पेपर का टाइटल है, यानी उसका जो नाम है वो सप्त एकांकी एवं व्याकरण है। यह आपको पढ़ना है, इसमें यह आपके पेपर का नाम हुआ है। अब उसके बाद जो मैं बताने चाह रही हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ मुख्य हिंदी वाले स्टूडेंट्स का, यानी कि मेन गुजराती है या मेन संस्कृत है उनको यह सब्जेक्ट लागू नहीं। अब आपने सेमेस्टर वन जब चल रहा था तब आपको बताया था कौन से पेपर आते हैं आपको, वन और टू। उसके बाद सेमेस्टर टू में आप आ गए तो वहाँ पे आपको कौन से पेपर पढ़ने पड़ते थे, थ्री और फोर। और उसके बाद जब आप एस वाई के सेमेस्टर थ्री में आ गए तब आपको जो पेपर पढ़ने हैं उसका नाम है पेपर पाँच, छ और सात। तो अब पेपर नंबर पाँच, हिंदी पेपर नंबर पाँच वो आपको पढ़ना है। फिर से कहने को यह उनके विषय है जो मेन
का मनोवैज्ञानिक उपन्यास। और ये उपन्यास आपको इसके सेमेस्टर थ्री में पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में आपको विस्तृत बाद में एयर पेपर जब आप पढ़ेंगे तब बताऊंगी। उपन्यास यानी कि वह एक स्टोरी होती है, कहानी से बढ़कर उसको उपन्यास कहते हैं। और उसके बाद का जो पेपर है यानी कि जो मुख्य विषय वाले आप सेमेस्टर वन और टू में जो पढ़ते थे वो क्या था, क्लासिकल संस्कृत, वह निकल जाता है। सेमेस्टर थ्री में जब आप आते हैं तब आपको एक पेपर और ज़्यादा आता है मेन सब्जेक्ट का, यानी कि आपका मेन हिंदी है तो पेपर नंबर 7 हिंदी का आएगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट गुजराती है तो पेपर नंबर 7 गुजराती का आता है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट संस्कृत हो तो उसका पेपर क्या आएगा, संस्कृत का आएगा। यानी कि पेपर नंबर 7 अपने मुख्य सब्जेक्ट का आता है, यानी कि मेन सब्जेक्ट जो हो उसका ही आता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदी वाले, यानी कि मेन सब्जेक्ट हिंदी है उसके बारे में, तो पेपर नंबर 7 उसका ही आएगा, यानी हिंदी पेपर 7। तो हिंदी पेपर 7 का जो नाम है वो क्या है, तो उसका जो नाम है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह उसका टाइटल है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ मुख्य हिंदी वालों के लिए, ये बात है वो उनको ही पढ़ना है, मुख्य गुजराती और मुख्य संस्कृत वालों को उनके पेपर का नाम अलग है, ये हिंदी वालों को आएगा। अब ये देखिए तीनों पेपर में वो अनिवार्य हिंदी का, यानी कि चारों जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय वालों के लिए है। यह पेपर मानो कि आपका पेपर ही विषय है वो गुजराती है तब भी आपको आएगा, संस्कृत हो में तो भी आएगा, हिंदी में हो तब भी आएगा, और इतिहास में हो तब भी आएगा, क्योंकि अनिवार्य हिंदी यानी कि कंपल्सरी हिंदी होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। पर यह है पेपर नंबर 5, 6 और 7 ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य हिंदी विषय वालों के लिए ही। अब इसके बारे में बात समाप्त होती है, अब मैं आपको मुख्य हिंदी वालों के बाद के स्टूडेंट्स यानी कि मुख्य हिंदी ना हो और गुजराती या संस्कृत में से कोई एक विषय हो तो उसको कौन कौन से पेपर आएंगे उसके बारे में बात करूँगी, यानी कि मुख्य हिंदी नहीं हो, जिसके गुण में हिंदी हो, जिनका मेन सब्जेक्ट गुजराती हो और हिंदी गुण में हो, जिनका मेन सब्जेक्ट संस्कृत हो और हिंदी गुण में हो, उनको कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ेंगे उसके बारे में हम बात बताती हूँ। तो उसमें भी उनको पेपर नंबर 5 और 6 ही पढ़ना है, उसके टाइटल है वो अलग अलग है, वो मुख्य हिंदी वालों के लिए वो नहीं, यानी कि आपको भी पढ़ना है पेपर नंबर 5। अब हिंदी पेपर नंबर 5 आपको भी पढ़ना है पर उसका जो टाइटल है उसके बारे में बताऊंगी, हिंदी की राष्ट्रीय काव्योद्धारा, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा और उसमें है जो टाइटल उसका नाम है, जो बात बताने जा रही हूँ हिंदी की, यह पेपर नंबर 5 है, इसको हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा उसका नाम है और उसमें भी हिंदी की राष्ट्रीय चेतना संपन्न, यह चेतना संपन्न कविताएं, यानी कि इस पेपर में आपको कविताएं पढ़नी पड़ेगी, पर वो कैसी कविताएं है जिसमें राष्ट्र की बात आती है, यानी कि राष्ट्रीय चेतना से संपन्न कोई कविता है उसके बारे में इसमें आता है, यानी कि पेपर नंबर 5। अब आपका पेपर नंबर 6, हिंदी पेपर नंबर 6, तो हिंदी पेपर नंबर 6 जैसे कि मुख्य हिंदी वालों को उपन्यास आता है वैसे भी आपको भी उपन्यास पढ़ना है, पर उसके उपन्यास का नाम कोई दूसरा है और आपके उपन्यास का नाम भी दूसरा है, तो आपको जो पेपर नंबर 6 पढ़ना है वो क्या है,
हिंदी का समस्या मूलक उपन्यास। अब उसको मनोवैज्ञानिक उपन्यास पढ़ना है तो फिर आपको समस्या मूलक उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, यह आपके सिलेबस में आता है। अब जैसे उनके उपन्यास का जो नाम है वह त्याग पत्र है, आपके उपन्यास का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा नाम का उपन्यास है जो आपको पढ़ना है। अब ये आपके बोर्ड पेपर है, यानी कि आपका मेन गुजराती हो या आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी हो, सॉरी मेन सब्जेक्ट गुजराती हो या मेन सब्जेक्ट संस्कृत हो, तो यह पेपर आपको पढ़ने है। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 उसके साथ अनिवार्य तो आपको पढ़ना ही है, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यह आपके दोनों हो गए, यानी कि मुख्य हिंदी वालों के जो पेपर थे उसके बारे में मैंने बता दिया, और ये जो बोर्ड वाले यानी कि मुख्य संस्कृत और गुजराती उनके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। यह आपका सिलेबस होता है। अब आपको पेपर नंबर 7 तो जो मेन सब्जेक्ट है उसका ही पढ़ना पड़ेगा, यह आपको नहीं पढ़ना है, यही दोनों पेपर और यही अनिवार्य हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यह हुआ हमारे हिंदी का सिलेबस SYBA सेमेस्टर 3 में आपको ये इतने पेपर पढ़ने पड़ेगी, यह हिंदी का हुआ। अब मैं आपको अनिवार्य हिंदी के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी।